दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। आज की पहली खबर में देखिए, बिहार के 534 अंचलों में होगी 1068 डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली, प्रोबेशन कार्यालय में आई वैकेंसी। यह देखिए बड़ी खबर है बेरोजगारों के लिए इस त्योहारी मौसम में, एक अच्छी खबर है। बिहार सरकार ने बिहार के सभी 534 अंचलों में 1068 डाटा एंट्री ऑपरेटरों की बहाली होगी। वही देखिए इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में प्रत्येक अंचल में दो दो डाटा एंट्री ऑपरेटर की बेल्ट्रोन के जरिए बहाली कराने का निर्देश दिया गया है। साथ ही देखिए संयुक्त सचिव ने सभी अपर समाहर्ता को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि हर अंचल में दो दो डाटा एंट्री ऑपरेटरों का नियोजन बेल्ट्रोन के जरिए कराया जाना है। वही सभी अंचल अधिकारियों को दो दिन के अंदर बेल्ट्रोन को बहाली के लिए अधियाचना भेजने को कहा गया है। बारीकर में देखिए, बिहार सरकार ने दिवाली पर दिया तोहफा, छठ से पहले सूखा प्रभावित किसानों के खाते में जाएंगे रुपए। यह देखिए बड़ी खबर, बिहार सरकार ने दिवाली के मौके पर राज्य के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य के कई किसान इस बार सूखे की मार झेल रहे हैं। इन्हीं किसानों को सहायता पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किसानों को प्रति परिवार 3500 रुपए की राशि दी जानी है। वही आपको बता दें कि यह राशि छठ महापर्व के पहले सभी किसानों के खाते में पहुंच जाने की संभावना है। इस सूखा राहत का शुभारंभ कल सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने किया है। वही देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राहत के शुभारंभ के दौरान सभी जिलों के डीएम से एक एक कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। जिलाधिकारियों से बात करने के बाद सीएम ने कार्यक्रम के दौरान रिमोट से सभी जिलों को राशि भेजी है। वही आपको बता दें कि इस योजना के तहत पहले चरण में जिलों को 500 करोड़ रुपए की राशि भेजी गयी है। बाड़ीघर में देखिए, मुंगेर में मनाई गई बिहार की सबसे बड़ी दिवाली, 6 लाख दीपों के साथ मना ऐतिहासिक दीपोत्सव। यह देखिए प्रकाश पर्व दिवाली के मौके पर जहां एक और रविवार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में 37 घाटों पर 15 लाख से अधिक दीपक जलाए गए, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुंगेर जिले के कल्याणपुर में भी एक अनोखा नजारा देखने को मिला। यहां दिवाली से एक दिन पहले रविवार को एक साथ 6 लाख दीप जलाए गए। वहीं देखिए एक साथ 6 लाख से अधिक दिए जलने के साथ ही यहां राज्य के सबसे बड़े दिवाली का रिकॉर्ड बना दिया गया है। आपको बता दें कि लगभग 10,000 लोगों की आबादी वाले गांव कल्याणपुर के यहां यूथ क्लब, काली पूजा समिति, बड़ी दुर्गा पूजा समिति एवं कल्याणपुर के रहने वाले लोगों के द्वारा रविवार को शाम ऐतिहासिक दीपोत्सव मनाया गया। बाड़ी घर में देखिए, सैनिक स्कूल में नामांकन के लिए जारी हुआ नोटिफिकेशन, जाने कब तक कर सकते हैं आवेदन। जी बड़ी खबर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 33 सैनिक स्कूल के साथ ही 18 नए मान्यता प्राप्त सैनिक स्कूलों में एडमिशन के लिए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वही देखिए नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। स्टूडेंट 30 नवंबर तक aisses.nta.nic.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। वही देखिए फॉर्म के लिए सामान्य स्टूडेंट को आवेदन शुल्क 650 रुपए व SC/ST स्टूडेंट को आवेदन शुल्क 500 रुपए देने होंगे। वहीं 10 से 12 वर्ष के आयु के छात्र कक्षा छठी व 13 से 15 वर्ष आयु के छात्र नौवीं कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि इस एग्जाम के लिए बिहार में 15 जिलों में सेंटर बनाया जाएगा। बाड़ी खबर में देखिए, दिवाली पर बेगूसराय बिहार का सबसे प्रदूषित शहर रहा, पटना सहरसा में भी हवा खराब। जी देखिए बिहार में दिवाली के मौके पर प्रदूषण का स्तर खराब स्थिति पर पहुंच गया। राजधानी पटना, बेगूसराय, सहरसा जैसे शहरों में सोमवार 24 अक्टूबर 2022 को वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ऊपर रहा। वही शाम में दीपावली पर भारी आतिशबाजी होने के कारण प्रदूषण लेवल और बढ़ गया। वही देखिए नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बेगूसराय बिहार का सबसे प्रदूषित शहर रहा। बड़ी खबर में देखिए, डेंगू पर बिहार में सियासत शुरू, सुशील कुमार मोदी ने कहा जिम्मेदार को बिहार से ज्यादा देश की चिंता। जी देखिए डेंगू पर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दिवाली के दिन PMCH में डेंगू वार्ड में भर्ती मरीजों से मुलाकात की। वही देखिये मरीजों से मुलाकात के बाद सुशील मोदी ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य डेंगू की समस्या विकराल होती जा रही है, अगर समय पर इस पर ध्यान दिया गया होता तो ऐसी स्थिति नहीं होती। वही उन्होंने इस बिगड़े हालात के लिए सीधे रूप से
तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री को कहा कि बिहार के लोगों से ज्यादा इन्हें देश की चिंता सता रही है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य में अगस्त के महीने में डेंगू का प्रकोप बढ़ने लगा था, लेकिन सरकार के स्तर पर रोकथाम की कार्रवाई नहीं की गई। अगस्त के महीने में अब नई सरकार बनी तो सभी अपने राजनीति में लगे थे। बड़ी खबर में देखिए, मुजफ्फरपुर भर्ती बोर्ड में 17 नवंबर से शुरू होगी बहाली प्रक्रिया, जानी पूरा शेड्यूल। जी हां देखिए, अग्निवीर की बहाली प्रक्रिया मुजफ्फरपुर भर्ती बोर्ड के द्वारा आयोजित की जा रही है। स्थानीय चक्कर मैदान में 2 नवंबर 4 दिसंबर के बीच होने वाले अग्निपथ स्कीम के तहत बहाली प्रक्रिया की तैयारी तेजी से हो रही है। वहीं देखिए, मुजफ्फरपुर आर्मी भर्ती के अधीन आने वाले 8 जिलों की बहाली 17 नवंबर से होगी। वहीं 2 से 14 नवंबर तक गया आर्मी भर्ती बोर्ड की बहाली प्रक्रिया मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में होगी। साथ ही पूरी बहाली प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरे के जद में होगी। चक्कर मैदान और इसके आसपास के इलाके में 2 दर्जन से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके अलावा डीएम के निर्देश पर सफल और सुरक्षित व कदाचार मुक्त बहाली के लिए दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की तैनाती जवानों के साथ होगी। इधर चक्कर मैदान में डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल जाँच, मसलिंग और बैचिंग एरिया में पंडाल का निर्माण पूरा कर लिया गया है। साथ ही भर्ती बोर्ड के आगे वाली सड़क और ओल्ड रेस कोर्स एरिया के सड़क को दुरुस्त किया गया है। वहीं देखिए, बताया गया है कि अभ्यर्थियों को सेना के आधिकारिक वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड ईमेल मिलने के बाद डाउनलोड करना है। इसका प्रिंट आउट लेजर प्रिंटर से करना है ताकि एडमिट कार्ड पर अंकित बार कोड की स्कैनिंग सही तरीके से की जा सके। बड़ी खबर में देखिए, कस्तूरबा गांधी विद्यालय के 4000 सीटों पर भर्ती के लिए आवेदन नवंबर के पहले सप्ताह से। जी हां देखिए, कस्तूरबा विद्यालय में रिक्त पदों को भरने की तैयारी की जा रही है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा नवंबर के पहले सप्ताह में आवेदन तिथि जारी की जाएगी। आवेदन जिला स्तर पर लिया जाएगा, जिससे कस्तूरबा विद्यालय में स्थानीय स्तर पर ही नियुक्ति हो सके। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की माने तो राज्य भर के कस्तूरबा विद्यालय में 4000 के लगभग रिक्त पद है। वहीं देखिए, इन रिक्त पदों को भरने के लिए अब आवेदन लिए जाएंगे। कुल 10,244 पदों में 4000 के लगभग सीटें खाली है। वहीं देखिए, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा जल्द रिक्त पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। इसके बाद रिक्त पदों के लिए आवेदन लिए जाएंगे। हर जिला के लिए वहां के रिक्त पदों के अनुसार नोटिफिकेशन जारी होगा। आवेदन के लिए योग्यता के साथ कस्तूरबा विद्यालय की शर्तों को बताया जाएगा। ज्ञात हो कि कस्तूरबा विद्यालय आवासीय होता है। नामांकन के बाद छात्राओं के रहने की व्यवस्था होती है। बड़ी खबर में देखिए, गोपालगंज मोकामा विधानसभा उपचुनाव में मुकेश सहनी ने की राजद के समर्थन में वोट देने की अपील। यह देखिए, वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने आगामी बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर मोकामा एवं गोपालगंज की जनता से आरजेडी को समर्थन देने की अपील की है। मुकेश सहनी ने कहा है कि 2 जगह से हो रहे विधानसभा उपचुनाव में वीआईपी पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतार रही है। वीआईपी दोनों सीट से चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन बीजेपी को हराने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि मोकामा और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव 2024 लोकसभा चुनाव एवं 2025 विधानसभा चुनाव का टेलर होगा। वहीं देखिए, मुकेश सहनी ने गोपालगंज और मोकामा की जनता से यह अपील की है कि गोपालगंज में राजद प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता और मोकामा में नीलम देवी को अपना कीमती वोट देकर उन्हें भारी मतों से विजय बनाने का काम करें। बड़ी खबर में देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुने गए भारतीय मूल के ऋषि सुनक 28 अक्टूबर को शपथ ग्रहण। जी हां देखिए, भारतीय मूल के ऋषि सुनक इतिहास रचते हुए ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। बताया जा रहा है कि ऋषि सुनक को 180 से ज्यादा सांसदों का समर्थन मिला है। वहीं आपको बता दें कि ऋषि सुनक 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। ऋषि सुनक ने पेनी मॉर्डर्न को मात देते हुए शानदार जीत हासिल की है। पेनी मॉर्डर्न समर्थन में काफी पीछे रह गए थे, जिसके बाद उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। पेनी मॉर्डर्न को केवल 25 सांसदों का समर्थन मिल पाया था। बड़ी खबर में देखिए, पीएम मोदी ने सेना के जवानों के साथ मनाया दिवाली, कहा वर्षों वर्षों से मेरा परिवार है आप। जी देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को कारगिल में जवानों के साथ दिवाली मनाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम आम लोगों की दिवाली और हमारे आतिशबाजी अलग होती है, जबकि हमारे सेना की दिवाली और आतिशबाजी भी अलग और धमाके भी अलग होते हैं। बता दें कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी ग्रहण करने के बाद हर साल सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं। मैं आपको बता कि मोदी सबसे पहले 2014 में सियाचिन में सैनिकों के साथ दिवाली मनाई थी। यह 9वां साल है जब मोदी जवानों के बीच दिवाली मनाने पहुंचे हैं। बड़ी खबर में देखिए, जिसे उखाड़ फेंकने का किया था ऐलान, उसी के लिए वोट मांगेंगे ललन सिंह। मोकामा में आनंद सिंह की पत्नी का प्रचार करेंगे। जी हां देखिए, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोकामा क्षेत्र के गांव-गांव पहुंचकर ये दावा कर रहे थे कि वे आनंद सिंह को पूरी तरह से उखाड़ फेंकेंगे। ललन सिंह मोकामा को
आतंकराज से मुक्त कराने का लगातार दावा कर रहे थे। अब वही ललन सिंह मोकामा में आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी का चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। मोकामा में हो रहे उपचुनाव में ललन सिंह के जनसंपर्क का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। बाढ़ जिला जेडीयू के अध्यक्ष परशुराम पारस ने बताया कि ललन सिंह 2 दिनों तक मोकामा में चुनाव प्रचार करेंगे। वे 26 और 27 अक्टूबर को मोकामा विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कर नीलम देवी के लिए वोट मांगेंगे। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में ई श्रम पोर्टल से जुड़ेगी सेविका सहायिका आशा व किसान, जानिए क्या होगा लाभ। जी देखिए, बिहार में 3.49 करोड़ असंगठित क्षेत्र में श्रमिक है। वैसे श्रमिक जिनका ईपीएफओ व ईएसआईसी में किसी तरह का योगदान नहीं है, इनका निबंधन ई श्रम पोर्टल 31 दिसंबर तक निबंधन कराने का लक्ष्य श्रम संसाधन विभाग ने तय किया है। इस लक्ष्य के मुताबिक राज्य भर के कार्यरत आशा, जीविका, सेविका, सहायिका, कृषि क्षेत्र श्रमिक व घरेलू कामगारों का निबंधन होना है। इसको लेकर विभाग ने हर संबंधित विभाग एवं केंद्र सरकार से इनका डेटा मांगा है, ताकि इनका निबंधन करा कर इन्हें भी योजनाओं से जोड़ा जा सके। वहीं छठ पूजा तक डेटा नहीं मिलने पर सभी ब्लॉक स्तर पर अभियान चलाकर इन्हें सीएससी लाया जाएगा, इनका यहां निबंधन कराया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पोर्टल पर निबंधित असंगठित कामगारों के लिए 2 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा कवर का भी प्रावधान है। यदि पोर्टल पर पंजीकृत कोई कामगार दुर्घटना का शिकार होता है तो मृत्यु या अस्थायी रूप से शारीरिक विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए और आंशिक रूप से शारीरिक विकलांगता के शिकार होने पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। घर में देखिए, बिहार में 1 नवंबर से शुरू होगी धान की खरीदी, वही जाने इस बार कितना एमएसपी मिलेगा। जी देखिए, बिहार के किसान भाइयों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल इस बार बिहार सरकार प्रदेश में अगले माह यानी नवंबर से धान की खरीदी शुरू कर देगा। वही देखिए, सरकार ने इसकी तैयारी राज्य भर में अभी से शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक इस बार नीतीश सरकार ने 45 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। साथ ही आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक अगले माह यानी नवंबर की 1 तारीख से उत्तर और दक्षिण बिहार में धान की खरीदी शुरू की जाएगी। वही देखिए, खरीफ सत्र 2022-23 में ए ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2060 रुपए और साधारण धान के लिए एमएसपी 2040 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। वही देखिए, इस साल भी पिछले वर्ष की तरह 45 लाख मीट्रिक टन धान और 20 लाख मीट्रिक टन चावल खरीद का लक्ष्य रखा गया है। वही देखिए, इस बार 31 मार्च 2023 तक धान की खरीदी जारी रहेगी। इस अवधि में किसान अपने क्षेत्र के निर्धारित केंद्रों पर धान की बिक्री कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।